हाय किड्स, हाय सर। देखो क्लास टेस्ट में आपके पास जो क्वेश्चन आज आए थे वो ये थे, एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? एक हजार। कितने? 1000। एक रुपए में कितने पैसे? 100। देखो, नेम द ऑब्जेक्ट्स विच यू परचेज इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। अब देखो, आपको चीजों के नाम बताने हैं जिनको हम ग्राम में खरीदते हैं। ग्राम में किसी चीज को खरीदते हैं? मैजिक एंगल, वेजिटेबल्स। हाँ, वेजिटेबलों को ग्राम में भी खरीद सकते हैं और किलोग्राम में भी खरीद सकते हैं। और गुड़, ओके। शुगर, ओके। और किलोग्राम में ऑयल, चिली, ऑयल, चिली, पोर्क और वेजिटेबल भी हम केजीज में खरीद सकते हैं, ठीक है। राइस, व्हीट, फ्लोर, ठीक है। A cost of an inland rider is 2.50 rupees. Find out the cost of such 5 inland riders. देखो, एक जो अंतरदेशीय पत्र है, मतलब जो कार्ड जो मिलता है जिसपे हम चिट्ठी लिखते हैं, ठीक है, उसका रेट है कितना? 2 rupees and 50 paise. तो ऐसे ही 5 inland riders की कॉस्ट कितनी होगी? क्या करना होगा? गुणा 2.50 को 5 से बताओ कितना आएगा? 0 5 और 12। The weight of Mohan is 35 kgs and his elder sister Radha's weight is 55 kgs. What is the difference between their weights? देखो, मोहन का जो वेट है वो 35 kg है और उसकी जो बड़ी बहन है राधा, उसका वेट 55 kg है। तो उनके बीच का डिफरेंस कैसे पता चलेगा? घटा के किसमें से किसको घटाओगे? 55 में से 35। कितना आएगा? 0.02। इसका मतलब कितने का डिफरेंस है उन दोनों के बीच? 20 kg का। कन्वर्ट 1575 ग्राम्स इन केजीज एंड ग्राम्स, ठीक है। अब देखो, एक किलो में कितने ग्राम होते हैं? एक किलो में एक हजार। तो 1575 ग्राम्स इज इक्वल टू डैश केजीज एंड डैश ग्राम्स। कितना कितना आएगा यहाँ पे? कितने केजी? 1। और ग्राम्स? 575। ओके, आपके पास जो क्वेश्चन पे क्वेश्चंस आए हैं वो हैं, टैली चिन्ह को देखकर संख्या लिखिए। अब देखो, टैली चिन्ह ये कितने के बराबर होता है? ये 5 और ये 6। कितना हो गया? 6। ये 8। अब देखो, टैली चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया, इसके लिए टैली चिन्ह बनाने हैं। अब देखो, 23 के लिए 7 आ गए, अब ये कितने हो गए? 5 10 15 20 23। इसके लिए 5 4। ठीक है, देखो, दंड आलेख द्वारा दर्शाइए। दंड आलेख मतलब हमको इसके लिए बनाना है एक बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ देखिए कैसे बनाना है आपको, यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी क्लासेज 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर हम इसको 0 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 10 15 20 25 30 और 35। मैक्सिमम हमारे पास 35 ही है। अब देखो, 1 में कितने बच्चे हैं? 35। 2 में 20। 3 में 25। 4 में 15। 5 में 20। बन गया? यस सर। ठीक है, क्लियर है। तालिका देखकर ज्ञात कीजिए कि 12वें दिन पौधे की लंबाई 8वें दिन से कितने सेंटीमीटर ज़्यादा है। अब देखो, यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है ये। देखो, 0वें दिन में जब मतलब पहले जिस दिन पौधा लगाया था उस दिन उसकी लंबाई कितनी थी? 0। चौथे दिन 1.4। आठवें दिन 5.3। ट्वेल्थ दिन 9.5। सिक्सटीन्थ दिन 10.2। और 20th दिन 10.9। इसका मतलब जो इसकी जो हाइट है लगातार बढ़ रही है। अब वो बोल रहे हैं कि 12वें दिन पौधे की लंबाई और 8वें दिन कितने सेंटीमीटर ज्यादा, क्या करना पड़ेगा? माइनस किसमें से किसको? 8 5.9.5 9.5.3 में से 5.3 कितना आएगा? 4.2। यूनिट क्या आएगी इसकी? क्या लिखा है यहां? सेंटीमीटर आएगी। अब देखो, यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है, एक उन्होंने दे रखा है ग्राफ 1 जून का और एक दे रखा है 1 दिसंबर। अब देखो, 1 जून को जो टेम्परेचर था वो ये था, दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर का, और सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। ये तो 1 जून का था और 1 दिसंबर का था। अब उनके पास दो क्वेश्चन है, 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है बताओ? 1 जून कितना डिग्री टेम्परेचर है वहाँ? 38 डिग्री सेल्सियस। जे
ठीक है। 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है? शिमला। कितना डिग्री टेम्परेचर? 10 डिग्री सेल्सियस। शिमला और टेम्परेचर कितना? 10 डिग्री सेल्सियस। ओके ठीक है सर। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो है फिल द गैप्स। 6 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3। देखो 6 में किस चीज का भाग दें कि 3 आ जाए? हाँ, किस चीज से भाग दें? 2। कितना आ गया? 2। 2 को किस से गुणा करें कि 6 आ जाए? 3। इफ 10 बटरफ्लाइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 ग्रुप्स देन हाउ मेनी बटरफ्लाइज विल कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप। वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास 10 तितलियां हो और उन्हें हमको 2 ग्रुप में बराबर बराबर बांटना हो तो एक ग्रुप में कितनी आएगी? 5। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? भाग देना पड़ेगा 2 से किस में? 10 में। कितना आएगा? 5। देखो रेट ऑफ 1 टॉफी, एक टॉफी का रेट 2 रुपए है तो 4 टॉफी का रेट कितना आएगा? 8। सिंपल है। अब देखो यहाँ पर सेंटर में कितना लिखा है? 2। इन सबसे आंसर आना चाहिए हमारे पास कितना? 2। देखो 20 को किससे डिवाइड करेंगे 2 आ जाए? 10। देखो यहाँ पर है 10 डिवाइडेड बाय 5, मतलब किस संख्या को हम 5 से भाग दें कि 2 आ जाए? 10। क्लियर है। अब देखो सॉल्व इट, 18 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब किसका भाग किस में देना है? 2 का भाग, हाँ 2 का भाग 18 में देना है। कर दोगे? यस सर। कितनी बार जाएगा? 9। 4 डिवाइडेड बाई 40 कितना आएगा? 4 10 4 10 जा 40। ठीक है, सिंपल है। यस सर।